अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अजमीना डायरीज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरेबियन स्वीट डिश उम्मे हली। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्रश कोकोनट, 2 बाउल्स शुगर, मावा, 1 स्पून कॉर्नफ्लावर ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए, डार्क चॉकलेट, घी एंड ब्रेड इस तरीके से हम कट कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे इसको एक बल आ जाता है हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। देखिए गाइस, दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शक्कर मिक्स करते हैं। 1 बाउल शक्कर लिया है, उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है बिकॉज लगे नहीं दूध नीचे। अब हम इसमें मावा मिक्स करेंगे। 1 बाउल मावा अच्छे से स्टर करते रहना है। और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने इसमें इलायची पाउडर मिक्स की है और इसको अच्छे से स्टोर करते रहना है कंटिन्यूसली। ये डिश आप दिल से घर पे जरूर ट्राई करना। जितने अच्छे से दिल से बनाओगे उतना ही ये डिश माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगेगी और आप बहुत खुश हो जाओगे। आप घर पे, आपके घर पे सभी लोग खुश हो जाएंगे। आप ज़रूर सबको बना के खिलाना। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर मैंने जो लिया था उसमें मैंने ऑलरेडी दूध निकाल लिया था थोड़ा सा, और उसमें मिक्स करके मैंने घोल बना लिया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे दूध में। कॉर्नफ्लावर का घोल डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है बिकॉज दूध ठीक होते जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यूसली स्टोर करते रहना है अच्छे से। और ये हमारी रबड़ी बन जाएगी। देखिए मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी है, इसको ठीक चाशनी बनानी है हमको। और यहाँ पे मैं दूध भी स्टोर कर रही हूँ, अच्छे से स्टोर करते रहिएगा। अब हमने चाशनी भी रख दी है। अब हम घी लेंगे एक पैन में, देसी घी। अच्छे से गरम होने देते हैं। यहाँ पे घी गरम हो रहा है, चाशनी भी बन रही है और यहाँ पे मेरी सिस्टर स्टोर भी कर रही है हमारी रबड़ी को। अब हम ये ब्रेड फ्राई करके लेते हैं। देखिएगा इस तरीके से। ब्रेड को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमको ब्रेड को गोल्डन ब्राउन फ्राई करके लेना है अच्छे से। अब हम चाशनी में थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ज़ाफ़रान ऐड किया है। देखिए गाइस, मेरी रबड़ी रेडी हो चुकी है। आप इसको जितना स्टोर करोगे ये उतनी टेस्टी लगेगी, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड यहाँ पे मेरे ब्रेड्स फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। मैंने एक बाउल में इसको अच्छी तरीके से बिछा लिया है। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ऐड करना है। देखिए गाइस, हमारी ठीक रबड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम ब्रेड में ऐड करते हैं इंग्रेडिएंट्स। फर्स्टली हम कोकोनट ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है।
इस तरीके से ऐड कीजिएगा। अब हम हमारी चाशनी ऐड करेंगे। हमने इसमें चाशनी ऐड की है, अब हम इसमें रबड़ी ऐड करेंगे। और रबड़ी गरम है, आप गरम गरम ऐड कीजिएगा या फिर ठंडी होने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। मैं गरम गरम ऐड कर रही हूँ, देखिएगा इस तरीके से फैला के ऐड करना। इस तरीके से हमने हमारी रबड़ी ऐड कर ली है, अच्छी तरीके से फैला ली है। इस तरीके से हमने रबड़ी हर जगह फैला के ले ली है। अब हम फिर से कोकोनट ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, लिटिल बिट। अब हम गार्निशिंग के लिए बादाम एंड पिस्ता ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से फैला के ऐड करना है और जगह। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा एंड घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें डार्क चॉकलेट भी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हो या नहीं। मैं ऐड कर रही हूँ, मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है इसलिए। तरीके से हमारी उन्ने वाली रेडी हो चुकी है। आप इसको गरम गरम भी डिश आउट कर सकते हो, बट मैं इसको 1 आवर रेफ्रिजरेटर में रखूँगी ठंडा होने के लिए एंड देन प्लेटिंग करूँगी। मैं आपको 1 आवर बाद डिश आउट करके बताती हूँ। ठीक है गाइस, हमारी उम्मे अली अरेबियन स्वीट डिश रेडी हो चुकी है, कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दुआ में याद रखिएगा, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।